हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार एक्टिव एकेडमी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं जिनका नाम क्या है, राजीव गांधी अवार्ड, जिसको हम वर्तमान समय में मेजर ध्यानचंद अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। राजीव गांधी जो अवार्ड है, इसकी शुरुआत सन 1991-92 में हुई थी, परंतु वर्तमान समय में इसका नाम बदल कर मेजर ध्यानचंद अवार्ड के नाम से रख दिया गया है। 6 अगस्त 2021 को इसका नाम मेजर ध्यानचंद अवार्ड के नाम से संबंधित कर दिया। मेजर ध्यानचंद हॉकी के एक महान जादूगर माने जाते थे। उन्होंने अपने समकालीन भारत को 3 गोल्ड मेडल हॉकी में दिलाए थे। आज उन्हीं के सम्मान के रूप में यह पुरस्कार का नाम पड़ा है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। मेजर ध्यानचंद अवार्ड, अगर यह पूछा जाता है कि यह खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, जिसका वर्तमान में ध्यानचंद अवार्ड के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड की शुरुआत सन 1991-92 में शुरुआत की गई थी। यह खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस पुरस्कार की जो राशि भारत सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है, पहले यह राशि 7.5 लाख रुपए थी, वर्तमान में यह राशि 25 लाख रुपए निर्धारित की गई है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष यानी कि एक साल में एक व्यक्ति को भी दिया जा सकता है, दो को भी दिया जा सकता है या अधिक को भी दिया जा सकता है। यह पुरस्कार खेल एवं युवा मंत्रालयों के द्वारा प्रदान किया जाता है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड सबसे पहले 1991 में और 92 में विश्वनाथ आनंद को प्रदान किया गया था। यह शतरंज के खिलाड़ी हैं। सन 1997 और 98 में यह पुरस्कार क्रिकेट के भगवान सचिन रमेश तेंदुलकर को प्रदान किया गया था, जबकि अब तक भारत के 4 क्रिकेट खिलाड़ियों को यह अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, जिसका हम विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे। पहला आता है सन 1998 में सचिन रमेश तेंदुलकर, उसके बाद आता है 2007 में MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी जी, 2018 में विराट कोहली और 2020 में रोहित शर्मा, इनको यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। महिलाओं की अगर बात की जाए, क्योंकि आज हमारे देश में महिलाओं को वही सम्मान दिया जाता है जो पुरुषों को पहले मिलता था, यानी कि खेल कूद में महिलाओं का भी योगदान काफ़ी मात्रा में माना जाता है। महिलाओं में कर्णम मलेश्वरी, दोबारा सुनिएगा, कर्णम मलेश्वरी सन 1994 और 95 में भारोत्तोलन, जो वजन उठाने का जो कार्य होता है, भारोत्तोलन एक खेल है, उसमें यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। कुंजरानी देवी को सन 1995 और 96 में यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2016 में एक ओलंपिक हुआ था, जिसका नाम था, ब्राजील में हुआ था, रियो डी जेनेरो, उसमें भारत की तरफ से केवल 2 ही मेडल मिले थे, एक का नाम पीवी सिंधु, एक का नाम साक्षी मलिक। पीवी सिंधु का संबंध है बैडमिंटन से और साक्षी मलिक का संबंध है कुश्ती से। इन दोनों को 2016 में राजीव गांधी, जिसका वर्तमान में नाम मेजर ध्यानचंद अवार्ड से, इनको सम्मानित किया गया है। 2018 में यह पुरस्कार, अभी अभी चर्चा हुई थी, विराट कोहली को भी और मीराबाई चानू को भी, वेट लिफ्टिंग में इनको यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उसके बाद में आता है 2019 में एक आता है दीपा मलिक, जिसका नाम खेल से संबंधित शॉटपुट, और दूसरा आता है बजरंग पूनिया, जो एक पहलवान है यानी कि एक रेसलर हैं, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2020 में यह 5 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया। पहला नाम रोहित शर्मा, दूसरा नाम रानी रामपाल, तीसरा नाम है मोनिका बत्रा। मोनिका बत्री का जो संबंध है वो टेबल टेनिस से है, रानी रामपाल का जो संबंध है वो किससे है, भाई ओकी से है, और इनका जो संबंध है वो हरियाणा के सिरसा जिले से इनका ताल्लुक रखती हैं। उसके बाद तीसरा नाम आता है, चौथे नंबर पर आता है मरियप्पन थगवेलू, ये हाई जंप,
किस खेल से संबंध रखती हैं? हाई जंप से संबंध रखती हैं। उसके बाद आता है विनेश फोगाट, ठीक है जी। ये पांच ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको यह अवार्ड प्रदान किया गया 2020 में। अब हम अंतिम क्षणों में पहुंचते हैं 2021। 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक, जो टोक्यो का जो ओलंपिक हुआ था वह ओलंपिक होने वाला 2020 में था, परंतु COVID-19 के कारण यह पुरस्कार, यह खेल 2021 में शुरुआत हुई थी। और यह जापान के टोक्यो, जो विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर है टोक्यो, वहाँ पर समापन यानी शुरुआत हुई, जिसका समापन हुआ। उसमें नीरज चोपड़ा भारत का एकमात्र ऐसा खिलाड़ी जिसने गोल्ड मेडल प्रदान किया था, उनको यह पुरस्कार से नवाजा गया। इनका संबंध एथलेटिक्स में है, यानी भाला फेंक में है। और दूसरा था रवि कुमार, जिसका संबंध किससे है बेटा? कुश्ती से। किससे? कुश्ती से। तो आपको लगता होगा कि टॉपिक अच्छी तरह आपके समझ में आ गया होगा। कृपया करके इस टॉपिक को एक दो बार पढ़ें, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। आगामी जो आपके पेपर, उसमें बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाला ये टॉपिक है। धन्यवाद जी।